हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आप ये देख रहे हैं बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा प्लांट। अगर आप गार्डन लवर्स हैं तो आपको ये प्लांट बहुत पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा और ख़ास प्लांट है ये। और इसके बारे में जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देंगे और ये भी बताएंगे कि इसको नर्सरी से लाने के बाद रिपोर्ट कैसे करना है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसको ग्रो कैसे करना है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना, ब्लैक पॉली बैग में ये नर्सरी से लाने के बाद अभी हमने इसका रिपोर्ट नहीं करा है, तो मैं अभी इसको रिपोर्ट करने जा रही थी तो सोचा एक वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये प्लांट जो है गाइज, ये है लेवेंडर का प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है लेवेंडर का। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और कौन से नए प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेवेंडर का प्लांट है, ये लेवेंडर का प्लांट है जिसपे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। इस पर जब ये बड़ा हो जाता है, ये एक मैच्योर हो जाता है, ग्रोथ कर लेता है अच्छी, तो इस पर ना पर्पल कलर के उस पर प्लांट्स आते हैं। अब जो गार्डन लवर्स होते हैं उनको तो हर प्लांट ही अच्छा लगता है। जैसे कि हमें ये बहुत, इसकी लीव्स बहुत प्यारी लगी और इसके थोड़े बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स भी हैं, तो इसलिए हम इसको ले आए नर्सरी से। ये मुझको अराउंड 20 रुपीज़ का पड़ा था, क्योंकि ये जो आपका प्लांट है, ये प्लांट हमारा ये आउटडोर प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर डिमांडिंग नहीं है। आप अगर आप ज़्यादा केयर फ्री रहना चाहते हैं, आपको ज़्यादा केयर ना करनी पड़े प्लांट की और प्लांट भी आपका अच्छे से चले, वो उनमें से प्लांट है। अगर आपको प्लांट बहुत पसंद है अपने गार्डन में लगाना तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है। अगर आपके गार्डन में मॉस्किटोज़ हैं या कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं तो वहाँ आप इसको लगाइए। ये मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट है, इसके लगाने से ना मॉस्किटोज़ नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। जब ये रेपिलेंट है तो इस प्लांट पे कोई कीड़े मकोड़े का अटैक भी नहीं होता और ऐसा इसको किसी फर्टिलाइज़र की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत खूबसूरती से बढ़े तो आप इसमें लगा सकते हैं फर्टिलाइज़र। तो जो इसका फर्टिलाइज़र लगाने का टाइम होता है, ग्रोइंग टाइम इसका फेब से अक्टूबर होता है। ये ज़्यादा गर्मी, मतलब मोस्टली समर में ही ग्रो करता है और सर्दी में ये मरने लगता है, मुरझा जाता है, तो सर्दी में इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अगर आप इसको सर्दी से बचा लेंगे तो इसके बाद ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा गर्मी में। और इसको आप बाहर रखते हैं, जैसे अब इसको, इसकी केयर में क्या करना है आपको, इसको आप बाहर रखना, इसको 4 से 8 घंटे की धूप चाहिए और अच्छे खासे टेम्परेचर में ग्रोथ कर लेता है, तो आप इसको बाहर रखिए। अगर लू भी चल रही है ना, ज़्यादा हवा भी चल रही है, लू वाली गर्म हवा, उसमें भी सर्वाइव कर लेगा। बट हाँ, जब थोड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है तब इसको थोड़ी सी परेशानी होती है, तभी थोड़ा मुरझाने लगता है, तब इसको आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। बाकी ऐसा इसकी कोई डिमांड नहीं है। ये भी छोटा प्लांट है, बड़े प्लांट होने पे इस पर ना, मैंने आपको बताया लेवेंडर का है तो बड़े पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो इसकी कलियाँ आ जाती हैं, तो उसका ऑयल एरोमा इसमें बहुत अच्छी एरोमा आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसकी खुशबू के लिए ही इसका जो ऑयल है, ऑयल इसके फ्लावर्स का ऑयल निकाल लेते हैं, यूज़ करते हैं ऑयलिंग में। लेवेंडर का ऑयल भी आता है, लेवेंडर के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो हमने पता ही होगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं लेवेंडर के। तो खुशबू में अगर एरोमा आपको चाहिए, इसके एरोमा के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया फर्टिलाइज़र कब देना है, पानी इसको तब देना है जब इसमें, जब बिल्कुल मिट्टी सूखने लगे तब इसको पानी देना है। और वैसे भी ये ना प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट है, इफ़ आप 1 दिन या 2 दिन पानी नहीं दे पा रहे हैं तो ये तब भी सर्वाइव कर जाता है। बट हाँ, पानी इसको इसी की रिक्वायरमेंट पे देना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे ना तो रूट गल जाएंगी, और आप, मैंने आपको बताया अपनी हर वीडियो में कि फंगस लग जाता है और जिसकी वजह से रूट रॉट हो जाता है और पेड़ ख़राब हो जाता है। ये चीज़ आपको खास ध्यान देनी है। और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है, बहुत छोटा सा लाए थे और मैं इसको कम से कम 1 हफ़्ता हो गया, मैं 1 हफ़्ते बाद इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। अरे देखिए, छोटी छोटी सी इसकी लीव्स भी निकल के आ रही है। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया इसकी केयर कैसे करनी है, ग्रो कैसे करना है, अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसको रिपोर्ट कैसे करना है।
इस पॉट में हम इसको लगाएंगे। आप ये छोटा प्लांट है तो आप इसको छोटे पॉट में लगा सकते हैं, ये 5 से 6 इंच के पॉट में। जब ये बड़ा हो जाए तब भले ही आपको इसको बड़े पॉट में लगाना पड़े, लेकिन अभी आप इतने बड़े पॉट में इसको लगा सकते हैं। कुछ मिट्टी मैंने इसमें को पहले से मिलाई हुई है। मिट्टी इसकी पोरस होनी चाहिए, गार्डन सॉइल इसमें चाहिए आपको। गार्डन सॉइल के साथ इसमें आपको सैंड मिलाना है और कंपोस्ट भी मिलाना है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो हमने इसमें पहले से मिलाए हुए और बाकी जो मिट्टी वो हमने थोड़ी सी तैयार करी हुई है इधर, जिसमें सैंड काफ़ी अच्छा मिला हुआ है क्योंकि वो मिट्टी चिकनी है। तो अब इस तरीके से आपको प्लांट को ना इसकी पॉलीथीन बैग है उसमें से निकाल लेना है, और जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसकी तो उसको थोड़ा सा रिमूव कर देना ताकि जड़ थोड़ी सी एक्सपोज हो जाए। जो एक्सपोज जड़ होंगी उसके बाद आप इस प्लांट में यहाँ पर इसको लगा देंगे, तभी तो जब जड़ एक्सपोज होंगी तभी तो वो इस मिट्टी को अडेप्ट कर पाएंगी, और तभी मिट्टी को अडेप्ट कर पाएंगी, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेंगी और तभी इस प्लांट इसमें पॉट में ग्रो करेंगी। तो अब हमने इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको निकाल लिया है, अब हम इसको रिपोर्ट कर देंगे, इसमें लगा देंगे। चालू कर रहे हैं जी। अब इसको इस तरीके से रिपोर्ट कर दिया, इसको लगा दिया गमले में और इसकी जड़ तक इसको और मिट्टी को फिल कर देंगे। इस तरीके से आपको फिल कर देना है और 1 इंच के बराबर आपको गमला खाली रखना है, बिल्कुल एकदम से पूरा भी नहीं भर देना। और फिर जब हम फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करते हैं ना नर्सरी से लाके, तो हम प्लांट को ना अच्छा पानी लगाते हैं, मतलब ताकि इसकी रूट तक चला जाए और गमला जो आपका पॉट है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। अगर आपका पॉट में पानी रुकता है तो पानी होल्ड रहेगा और जिसकी वजह से रूट रॉट होने का खतरा बना रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो पॉट है और जो आपकी मिट्टी है वो पोरस होनी चाहिए और गमला आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। अब हम इसमें ना पानी लगा देंगे, इसमें पानी लगा देना है, 1 मग के अप्रोक्स आपको पानी लगा देना है और पानी ना ड्रेन आउट हो जाना चाहिए पॉट में से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी धीरे धीरे मिट्टी पानी सूखेगी तो जड़ तक पानी चला जाएगा, क्योंकि पहली बार तो हमें जड़ तक पानी डालना ही है। और जब आप सेकंड टाइम लगाएंगे तब आप इसी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि तभी लगाना है जब आपकी मिट्टी सूखने लगे, 1-2 इंच तक सूख जाए उसके बाद आपको पानी लगाना है। और इसको आपको धूप में ही रखना है क्योंकि ये धूप का प्लांट है, आउटडोर प्लांट है। तो गाइज इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, केयर भी मैंने आपको बता दिया, मिट्टी कैसी होनी चाहिए वो सब भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले प्लांट के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। बाय बाय।